छत्तीसगढ़ कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनके घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे करने वाली बात कही है। पीएम मोदी ने कल कहा है कि क्यों करना है सर्वे, और आज कांग्रेस पार्टी इस पर पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, आदिवासी दलित का नहीं। कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है सर्वे को, कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के सियाचिन में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे अनुसार दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेगिस्तान में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में जवानों के साथ मनाने चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सब के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यह परंपरा आपके यहां भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौ सैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद किया। आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब ब्रज भूमि का भी नंबर आने वाला है, अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब आपकी बारी है, अब विकास के लिए आपको कोई तरसा नहीं सकता, अब आगरा में भी एयरपोर्ट बन रहा है। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है।
अब विकास के लिए आपको कोई कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। आइए रुक करते मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी लगातार ग्रामीण से लेकर शहर तक जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद ले रहे। इसी कड़ी में उज्जैन आलोट से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बड़े बुजुर्ग माता बहनों से जहां आशीर्वाद लिया, तो वहीं एक कार्यक्रम में घोड़ी पर सवार बच्चों को पुष्प हार पहनाकर दुलार किया। मध्य प्रदेश में 20 साल से इनका राज और 10 साल में केंद्र की सरकार ने एक भी जनहित की काम नहीं किया। पढ़े लिखे नौजवान साथी बेरोजगार किसानों का कोई काम नहीं हुआ। आज पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा और खासकर उज्जैन में टाटा का देख लो, छिपरा माल देख लो, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं हमारा देश समर्थन मिल रहा है और इस बार बीजेपी देगी भगवान महाकाल परमार हमारे लोकसभा के उम्मीदवार है। अपार जन समर्थन पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रत्याशियों को मिला है और इसलिए मिला है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे गरीबों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, अनेक ऐसे मामले हैं। और आप देखें कि कांग्रेस पार्टी का खिलाफ लगातार लोग सड़कों पर आके कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और निश्चित रूप से इस उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से हम कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ध्वजा ले रहे हैं और महेश परमार हजारों लाखों वोट का चुनाव जीतेंगे। जय कांग्रेस। इंदौर से उज्जैन कालिदास अकादमी में सीता की अग्नि परीक्षा नाटक में शामिल होने आए बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक और उसकी सास घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं युवक ने बताया कि उसे ठीक ढंग से उपचार नहीं दिया जा रहा है और वह काफी देर रात तक थाने पर भी खड़ा रहा, लेकिन उसे FIR की कॉपी भी नहीं दी गई। फिलहाल घायल महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कल मैं महावीर जयंती मनाने आया था तो कालिदास एकेडमी में हम लोगों समाज का नाटक था सीता जी की अग्नि परीक्षा। वो ख़त्म होते ही हम देख के लौट रहे थे और हम अपने राइट साइड पे चल रहे थे। इतने में एक गाड़ी मतलब फोर व्हीलर, हम एक्टिवा से थे, हमें और मेरी सासू माँ दोनों एक्टिवा से थे। हम आ रहे थे वो तो एक अचानक से मतलब सामने भयंकर रफ्तार में धुत नशे में धुत एक व्यक्ति ने गाड़ी ऐसी भयंकर ठोकी कि हमारी सासू माँ की हालत कर रहे हैं। मेरे को यहाँ जब एडमिट नहीं किया गया, मेरे सीने में बहुत दर्द है, पैर में भी चोट है और हाथ भी खरोंच है। मैंने बोला भी तो कि तुमको फैन कलर दे दिए और मैं रात भर से यहाँ से यहाँ बगल में लेटा रहा। ये कालिदास एकेडमी से निकल के पेट्रोल पंप के बीच में जो भी कौन सा था वो उस बीच में रात को पुलिस में क्या है इनको भर्ती करके पहले चला गया था। फिर मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लेने खड़ा रहा, अभी तक रिपोर्ट मेरे को दी नहीं गई है कि आप सुबह आके ले जाना। तो मैं वहाँ से आया तो मेरा पंचनामा बाद में बनवाया उनने, तो वो पंचनामा लेके पुलिस वाले तो चले गए। मैंने मेरे को एडमिट करेंगे, बाकी हमारे को कोई सुनवाई नहीं। अभी मैं गया तो एडमिट नहीं करा हमको, बाकी हमारे सीने बहुत ज़्यादा दर्द है अभी सर। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान के जन्म उत्सव को मनाने की परंपरा है। इस बार मंगलवार को पूर्णिमा तिथि पर वज्र योग रहेगा। यह योग विशिष्ट अनुष्ठान के लिए विशेष माना जाता है। संयोग से इस दिन हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनेगा। शहर के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। पूर्णिमा पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही संध्या को बाबा बाल हनुमान की शोभा यात्रा निकलेगी। हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव इस बार 2024 में 23 अप्रैल को आ रहा है। चैत्र सुदी पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसे हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के समस्त मंदिरों में हनुमान जयंती विशेष रूप से मनाई जाती है क्योंकि हनुमान जी शक्ति बुद्धि के देवता हैं। एक समय हनुमान जी जब सीता मैया को देखते हैं वो मांग में सिंदूर भरती हैं, तब हनुमान जी
ने सीता मैया से पूछा कि माता ऐसा क्यों कर रही है आप, तो उन्हें सीता मैया ने कहा कि हनुमान सिंदूर राम जी को बहुत प्रिय है। तब हनुमान जी अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लेते हैं और हनुमान जी राम जी के सामने जाते हैं। राम जी ने पूछा क्या कारण है हनुमान, तो बोले कि आपको सिंदूर बहुत पसंद है इसलिए मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया और आप प्रसन्न हैं मैं प्रसन्न हूँ। जब से हनुमान जी के पूरे बदन पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चालू हुई। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और रात्रि में भजनों के माध्यम से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। चना चिरौंजी का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। 56 प्रकार की मिठाइयाँ भी हनुमान जी को चढ़ाई जाती है और हनुमान जी को जागृत करके हम उनसे तटस्थ रहने का गुण सीखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो पूरी परिस्थितियाँ विपरीत थी, परंतु हनुमान जी डटे रहे और जहाँ जहाँ समस्या आई उस समस्या का समाधान करते हुए बढ़ते रहे। और हमें भी अपने जीवन में जब जब समस्या आती है समस्या का समाधान निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम पंडित दिनेश शास्त्री है, मैं श्रवण कुमार कथा प्रवक्ता हूँ और हमारा श्रवण कुमार सेवा संस्थान है। हम विश्व का पहला मंदिर उज्जैन में बनाने जा रहे हैं श्री श्रवण कुमार जी का। श्रवण कुमार जी माता पिता के परम भक्त थे और इस मंदिर की आज वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि श्रवण कुमार जी के सिद्धांत हमें चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 अप्रैल तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, इस वजह से बूंदाबांदी और आंधी तूफान का दौर रहेगा। साथ ही हवाएं भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी। सूर्य इन दिनों अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम में बदलाव की संभावना भी जताई गई है और कहीं कहीं पर तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। अभी जैसा कि देखा गया है काफी गर्मी की स्थिति थी। 18 तारीख को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री हो गया था और 18 की रात्रि को न्यूनतम तापमान भी बढ़ते 24 डिग्री हो गया था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है। 18 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ आया जिसके कारण प्रति चक्रवात बना और अरब सागर से नमी मिलने के कारण बादलों की स्थिति बनी है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों कम हो गए हैं। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास चल रहा है, न्यूनतम तापमान भी कम होके 20.5 डिग्री हो गया है। क्योंकि 22 को अभी फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो अभी ऐसे शुष्क मौसम रहने की संभावना है, बादल की स्थिति रहेंगी, कहीं कहीं पर हल्की सी बूंदाबांदी भी होगी। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो जाएगा तो धूप खिलेगी और तापमान बढ़ेंगे।